राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में मौजूद थे। कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में 7 दिवसीय कालिदास समारोह 4 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान भी प्रदान किया गया। रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर और शास्त्रीय संगीत की विधा में कलाकारों को सम्मानित किया गया। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और वोटों की गिनती 3 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को की जाएगी। उसी दिन चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा भानु प्रतापपुर विधानसभा की तारीख की घोषणा के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का 16 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनके निधन की अधिसूचना जारी करते हुए इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही भानु प्रतापपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 सांसदों की तस्वीरों के साथ लापता होने का पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिस पर लिखा गया है कि सांसद रंजीत रंजन, केटीएस तुलसी और राजीव शुक्ला लापता। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के राज्योत्सव से नदारद होने पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा विवाद के बाद अब सांसदों के गायब होने का मुद्दा गर्मा गया है। रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहर सेवन से एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने डॉक्टरों पर ड्यूटी से नदारद रहने और बाहर से मेडिसिन मंगवाने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं घटना के बाद अस्पताल पहुंचे बीएमओ ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए परिजनों के आरोप को निराधार बताया। नंबर प्लेट वाहनों की पहचान होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन अब ये नंबर प्लेट नंबर की जगह पदनाम में तब्दील होती जा रही है। ज्यादातर वाहनों, फिर चाहे वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM की हो या अन्य विभागीय अधिकारी और जन प्रतिनिधियों की, सभी नंबर प्लेट में बड़े अक्षरों में पदनाम लिखकर अपनी धौंस जमा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे वाहन सैकड़ों की तादाद में दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन और पुलिस विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मायापुरी क्षेत्र स्थित दोना पत्तल कारखाना में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। जिस गोदाम में आग लगी थी वहां पर दोना पत्तल बनते थे। आग दोना पत्तलों में लगने से जल्दी भड़की। 9:30 बजे करीब फायर ब्रिगेड को लोगों ने आग की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा, आग बुझानी शुरू की। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी ने दतिया जिले के भांडेर में पंडोखर सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पंडोखर सरकार से पूछा कि मुझे विधानसभा चुनाव में किसने हराया था, जिसके जवाब में पंडोखर सरकार ने कहा कि आपकी अभी की पार्टी के एक नेता ने हराया था आपको। राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। हल्की ठंड के बाद अब मौसम में हल्की गर्मी महसूस हो रही है, तो पारा कई इलाकों में 4 डिग्री तक चढ़ गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के सभी शहरों में दिन का पारा रात से 2 गुना यानी डबल हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान इसी तरह बने रहेंगे। 2 दिन बाद जब हिमालय से आने वाली हवाएं गुजर जाएंगी तो मौसम फिर बदलेगा। 7 नवंबर से हल्की ठंड का एहसास हो सकता है, तो 8 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हाफ ईयरली परीक्षाएं 1 से 8 दिसंबर के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र से लेकर सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों को पूरी सावधानी बरतने को कहा। किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग होने की स्थिति के होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।